हेलो फ्रेंड्स, मैं एमके टेलर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेल स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा कपड़ा है, जैसे हम नॉर्मल स्लीव की कटिंग करते हैं हमने इसको उसी तरीके से बिछा लिया है। स्लीव की लेंथ हमारी 18 इंच की है, तो 10 इंच की हम स्लीव की कटिंग करेंगे और आगे हमारी 8 इंच की फ्रिल की कटिंग होगी। तो ये हमारी स्लीव की लेंथ है। इन निशानों को हम मिला लेंगे और इनको भी मिलाएंगे और इसके बाद हम आर्म होल के लिए एक निशान लगाएंगे 3 इंच पर और इसको भी मिला लेंगे। और आर्म होल का निशान हमारा 9 इंच पर होगा और बाकी हमारा मार्जिन का रहेगा। और एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे 3 इंच पर और आधा इंच इसको अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ से इसकी शेप देंगे, यहाँ तक मिला लेंगे। इसके बाद हम मोरी का निशान लगाएंगे जो कि हमारा 6.5 इंच पर होगा और इन निशानों को हम मिला लेंगे। इसके बाद मार्जिन का भी निशान मिलाएंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद हम इसकी फ्रंट की कटिंग करेंगे इस तरीके से, यहाँ से। ये हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम फ्रिल की कटिंग करेंगे। ये हमारे पास स्क्वायर में कपड़ा है, देखिए इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हमारे कपड़े की 4 तह बन जाएंगी। अगर हम 2 स्लीव की कटिंग करते तो हमारे कपड़े की 8 तह बनती, लेकिन हमने 1 स्लीव की ही कटिंग की है तो हमारी 4 तह बनेंगी। तो इसके बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे, देखिए किस तरीके से, जिस तरीके से हमारा 6 इंच पर था तो इसका हम हाफ कर लेंगे तो ये हमारा 3.25 इंच रह जाएगा और इसका हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे 3.25 इंच की। इसको हम इसे राउंड में निशान लगा लेंगे। इसके बाद हमने 8 इंच पर निशान लगाना है क्योंकि हमने 18 इंच की स्लीव बनानी है, तो यहाँ पर हम 8 इंच का निशान लगाएंगे, यहाँ पर भी 8 इंच का निशान लगाएंगे और एक निशान हम सेंटर में लगा लेंगे और इसको शेप दे देंगे। ये हमारी शेप हो गई है, इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से भी इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी फ्रिल की भी कटिंग हो चुकी है, इसको हम सीधा करके दिखा देते हैं। ये देखिए, ये राउंड में हमारी स्लीव की फ्रिल की कटिंग हो चुकी है, इसको हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए मशीन पर ज्वाइंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद सेंटर में कट लगा लेंगे। और फ्रिल पर भी हम ऐसे ही कट लगा लेंगे सेंटर में। ताकि हमें फ्रिल ज्वाइंट करते वक्त दिक्कत ना आए, कट से कट मिला लेंगे। इस तरीके से स्लीव को हम सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद कट से कट मिला लेंगे। अंदर की तरफ हमारी दोनों सीधी साइड होंगी, इस तरीके से अंदर की तरफ सीधी साइड और कट से कट मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे और यहाँ से आधा इंच का मार्जिन छोड़कर इस पर सिलाई लगा लेंगे।
फ्रिल को हमने ज़्यादा नहीं खींचना है क्योंकि और रेब है, कपड़ा बढ़ जाएगा। तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता घुमाते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर आने के बाद सेंटर में कपड़े को इस तरफ फोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। और फिर आगे की सिलाई भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे। सिलाई हमने लगा ली है, स्लीव को सीधा कर लेते हैं और दिखाते हैं। देखिए देखिए फ्रिल हमारी स्लीव से अटैच हो चुकी है। इसके बाद हम गेयर को फोल्ड करेंगे। और अगर इस पर आप पिको करवाना चाहते हैं तो पिको करवा सकते हैं, और नहीं करवाना चाहते तो इसको सिलाई से फोल्ड कर लेंगे। इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे इसको। एक सिलाई हम इस पर कच्ची लगा लेंगे ताकि दूसरी सिलाई लगाते वक्त कोई दिक्कत ना आए और फ्रिल हमारी फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाए। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। एक बार हमने इसको फोल्ड कर लिया है, अब हम डबल फोल्ड करेंगे ऐसे। इसको बड़े ध्यान से आहिस्ता आहिस्ता से फोल्ड कर लेंगे। ये हमने फ्रिल के पूरे गेयर को डबल फोल्ड कर लिया है। इसके बाद धागे को कट करेंगे और स्लीव को हम सीधी करके दिखा देते हैं। देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ हमारी स्लीव बनके रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारा बैल स्लीव बनाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा तरीका आपको कैसा लगा।